Jai Jai Shri Radhe. So what are we doing today? Same. No, Mr. Han. I told you. I get it, okay? Be respectful. I got it. I put my jacket on 1,000 times. I took it off 1,000 times, okay? This is stupid. I'm done. They can beat me up if they want to. And you know why you only have one student? Because you don't know Kung Fu. ये जो है सीन, ये देख के मां के चेहरे पे भी एक बार हंसी आ गई थी. बोले कितना इरिटेट हो गया वो, इसलिए हंसी आ गई कि हम और आप भी कभी कभी उनके सामने जाके यही काम करते हैं. करते हैं ना? अरे हाँ तो बोलो भैया. जो भी हो, मैं तो कई बार कर देता हूं. क्यों? डिसाइपल गेट्स इरिटेटेड. It is not because of what we are trying to do. It is because that irritation is inside us still. हमारे अंदर है, तभी तो बाहर आ रहा है ना. ये this is stupid. I put my jacket up 1,000 times. I threw it out 1,000 times. I hang it up 1,000 times. This is not going to help. क्यों? क्योंकि उसकी limit पहुंच गई. वो वहां पहुंच गया जब उसको लगने लगा कि अब इससे कुछ नहीं होने वाला है. और जब उसने देखा कि इस लड़के के अंदर ये बात आ गई कि इस कार्य को करने से मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला, तब गुरुजी ने कहा नहीं, दिस इज नॉट स्टूपिड, दिस इज नॉट यूजलेस, आई विल शो यू व्हाट इट मींस. सेवा करते करते अगर मन में कभी भी ये आ जाए ना कि ना जिससे कुछ नहीं होने वाला, तो ये सीन जरूर जाता है. Kung Fu lives in everything we do, Xiao Zui. It lives in how we put on the jacket, how we take off the jacket, and lives in how we treat people. Everything is Kung Fu. तो पूज्य माँ भी हमको ये कहते हैं कि सत्संग इज टू बी लिव्ड. इट इज अ वे ऑफ लाइफ. इट लिव्स इन एवरीथिंग दैट वी डू. हम और आप जाते हैं सत्संग में, बैठते हैं भजन में, बैठते हैं अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छी अच्छी चीज बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, और फिर क्या करते हैं? घर पे जाकर जैसे थे वैसे ही बिहेव करते हैं. तो बच्चे आके माँ को कहते हैं कि ये 40 बरस से, ये 30 बरस से, ये 20 बरस से आपके पास आ रहे हैं, लेकिन अगर इनके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो उस सत्संग का क्या फायदा? तो मां कहते हैं कि आप जो यहां सुनते हो वो केवल यहां छोड़ के जाने की चीज नहीं है, वो जीवन के अंदर उतरना चाहिए, आपके व्यवहार में बाहर आना चाहिए. आप जब घर जाते हो, जब दुनिया में घूमते हो, जब कहीं भी आपको कोई मौका मिलता है, तो वो आपके अंदर से बाहर आना चाहिए ऑटोमेटिकली. You should be so much engrossed in that, that automatically your reaction is controlled, is given out because of the satsang that we have done. Maa choti choti baaton par humko message dete hain. Kitna farak pad jata hai vyakti ki soch mein. Ki ek baar hum log Pujya Maa ke saath Chopati se return kar rahe the gaadi mein. To hum log ek jagah pe pahunche, Pedder Road pe, jahan pe signal aaya. Signal pe hum log ruk gaye. और उसके पहले बात चल रही थी पारस मणि की, कि एक संत को किसी ने पारस मणि दिया और वो स्टोरी चालू थी. तो पारस मणि की चर्चा हो रही थी. तो सिग्नल पे जब हम लोग रुक, तो अचानक आउट ऑफ द ब्लू मां ने कहा, अपने को पारस मिल जाए तो क्या करोगे? भैया अपने को पारस मिल जाए तो क्या करेंगे? हर व्यक्ति सोचने लगेगा, मैं इसको सोना बना दूंगा, मैं इसको सोना बना दूंगा, मैं इसको सोना बना दूंगा, मैं इसको सोना बना दूंगा. लेकिन ठाकुर की कृपा से इंपल्सिव रिएक्शन ये हुआ कि वहां एक पुलिसमैन खड़ा था और एक छोटे से बैरिकेड को, लोहे के बैरिकेड को पकड़ के खड़ा था. तो मजाक में ही सही या जो भी रिएक्शन में ही सही या ऑटोमेटिकली सही, ये बोला गया कि अगर पारस मिल जाए ना तो ये पुलिसमैन जिस लोहे के उसको
पकड़ के खड़ा है, उसको सोना करके उसको दे दूंगा, वो कितना खुश हो जाएगा, मस्ती में आ जाएगा। तो सब बोले हाँ हाँ हाँ, बहुत सही बात है, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। तो माँ ने धीरे से एक बात कही कि मिले नहीं मिले छोड़ो, करो नहीं करो छोड़ो, डजंट मैटर। लेकिन आज ये खुशी है कि अपन जितने लोग बैठे हैं ना गाड़ी में, वो सब ने एक बात पे सहमति करी कि अपने लिए नहीं बनाएंगे, उस पुलिसमैन के लिए बनाएंगे। अपने लिए तो सब बनाते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये जो डिफरेंस ऑफ थॉट है ना, ये जो ओनली इट इज, इवन इफ इट इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ थॉट, आप कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है, मिल जाएगा ना तो घर में बनाओगे, डजंट मैटर, कम से कम सोचा तो सही। ये जो है कि ऑटोमेटिकली हम सोचने लगते हैं कि हमको क्या करना है उससे, और इंपल्सिव आवे कि उस चीज से हम दूसरों को हेल्प करें, उतना ही बहुत है। माँ ने कहा इतना ही बहुत है कि कम से कम सबके सब अपन ये तो सोच रहे हैं कि दूसरों के लिए करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे। तो सत्संग जो है, इट इज टू बी लिव, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट लिव्स इन एवरीथिंग दैट वी डू। जय जय श्री राधे।